नारा लगाता हूँ, कोई नारा लगा श्री नाम का? एक मिनट मेरी बात सुनिए। ये सैलाब बता रहा है कि इस बार मोदी जी की छुट्टी उत्तर प्रदेश से नहीं, पूरे इंडिया से। अखिलेश जी भागते हैं, 74 साल के बुजुर्ग को प्रधानमंत्री बनना है, ये इसके लिए मतदान करने को कह रहे हैं। और 23-24 साल के नौजवानों को अग्निवीर के नाम पर रिटायर कर दे रहे हैं। विकास बताइए, बनास में विकास बताइए। बहुत विकास हुआ है, बताइए एक विकास बताइए। हम बता रहा हूँ आपको, आप जय श्री राम की बात करते हैं, आप श्री राम जी की बात करते हैं। अगर आप मर्यादा पुरुषोत्तम राम को पढ़ लें तो आपकी आवाज में बदलाव, आपके स्वभाव में बदलाव आ जाए। जिस समय हम लोग इसमें बनारस में, बनारस लोकसभा में आज अखिलेश यादव और राहुल गांधी का यहाँ पर जनसभा कार्यक्रम रखा गया था हमारे लेफ्ट साइड ही, अब यहाँ से वो लोग जा चुके हैं। जाने के बाद आप देख सकते हैं किस कदर लोगों की भीड़ भी, आप देख सकते हैं कि तमाम जो लोग हैं अभी भी यहाँ पर इकट्ठा हैं। आइए थोड़ा सा इन लोगों से बात करने का प्रयास करते हैं। मेरा नाम मिर्जा दानिश बेग है, यही बनारस के रहने वाले, बनारस के रहने वाले हैं। मैं समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन का एक छोटा सा सिपाही हूँ। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि आप जितनी भी यहाँ पे भीड़ देख रहे हैं, ये एक पैसा लिए बिना आई भीड़ है, ये राहुल गांधी और अखिलेश यादव की मोहब्बत में आई भीड़ है। और ये सैलाब बता रहा है कि इस बार मोदी जी की छुट्टी उत्तर प्रदेश से नहीं, पूरे इंडिया से मोदी जी की छुट्टी करने का काम यहाँ भारत के नौजवान और भारत के कार्यकर्ता लोग करेंगे, इंडिया गठबंधन के कार्यकर्ता लोग करेंगे। मोदी जी को टाटा बाय बाय बोलने का समय आ चुका है। चलिए देखें क्या कहना है कि मोदी को टाटा बाय बाय कहने का। और मुद्दे की बात करें तो बनारस में आखिर क्या नहीं हुआ है जो आप लोग मोदी को बदलना चाहते हैं? बनारस में क्या नहीं हुआ है मैं ये नहीं बताऊंगा, लेकिन बनारस में क्या क्या हुआ मैं ये बताऊंगा। बनारस में BHU की छात्रा के साथ बलात्कार हुआ, BJP IT सेल के लड़कों ने उस महिला के साथ सामूहिक बलात्कार किया, जिसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई, सबके सब बाहर है। उसी तरह प्रज्वल रेवन्ना का भी देखिए, 3000 से ज्यादा वीडियो उसके फोन में था, उसके घर में काम कर रही नौकरानी के साथ का उसका बलात्कार का वीडियो था। और प्रज्वल रेवन्ना को क्या किया गया, जर्मनी भेज दिया गया। उसके पापा प्रज्वल रेवन्ना के जो बाप हैं, पिताजी हैं, जो उन्होंने उस काम करने वाली जिसने पिटीशन दाखिल किया था, जिसने उसके खिलाफ मुकदमा लिखा था, उस महिला को अपने घर पर बुलाया। वो महिला 5 दिन से अपने घर से लापता है। अब प्रज्वल रेवन्ना के पिताजी भी अपने घर से लापता है। चलिए देखिए, इन्होंने कहा कि बनारस में हाँ क्या कर रहे हैं, विकास की बात करिए ना। चलिए विकास की ही बात हो जाए। हमारे भाई हैं। आप अपना नाम बताइए भैया। सरोज कुमार राजवर है। आप विकास बताइए, बनारस में विकास बताइए। बहुत विकास हुआ है, बताइए एक विकास। हम बता रहा हूँ आपको। जी बताइए, इधर बात करिएगा। हमारे गांव में आवास इतना मिला हुआ है। बोलिए, हमारी बात सुनिए। ओके, जूता उठा के मारिए गांव को। एक सेकंड भैया, बोलने दीजिए। गांव बोलिए, हमारे भाई ये लोग हैं। आप बोलिए, आप बोलिए। भैया मेरी बात सुनेंगे आप? विकास की बात कर रहा हूँ ना आपसे। बोले बोले, हमारे कहने का मतलब भैया है, ठीक है, एक मिनट बात सुनिए। आप बोलिए। अखिलेश भैया हमारे बहुत अच्छे नेता, प्रिय नेता हैं। उत्तर प्रदेश उनकी जब सरकार थी, मेरी बात सुनिए ध्यान से। आप बोलिए। अखिलेश भैया हर समाज के हर तबके में नौकरी अच्छा मिला, BJP सरकार में नौकरी नहीं मिला। मालूम है 10 साल BJP सरकार हो गया, योगी आदित्यनाथ 7 साल सरकार हो गया, ठीक है, नौकरी नहीं मिला, जब भी पेपर लीक हो जाता है। और दूसरी बात रही मोदी वाली बात है, लेकिन जो योजना घर घर पहुंचा है, जो बिजली पहुंचा है, रास्ता पड़ा पहुंचा है, वो समाज नहीं पहुंचा है। अब एक बात मैं आपसे बताना चाहता हूं। चलिए, पेपर लीक के मामले में नौकरी नहीं दी गई, पेपर लीक, अग्निवीर पे आपका क्या कहना है? मैं बोल रहा हूं, मैं 74 साल के बुजुर्ग को प्रधानमंत्री बनना है, ये इसके लिए मतदान करने को कह रहे हैं। और 23-24 साल के नौजवानों को ये अग्निवीर के नाम पर रिटायर कर दे रहे हैं, ये कहां करने आए हैं? अग्निवीर परीक्षा उसमें बता रहा हूं आपको। आप अगर काम पे बात करेंगे, आप अगर काम पे बात करेंगे तो एक एक बच्चा भी समाजवादी पार्टी का आपको हरा देगा। आप डिबेट नहीं कर सकते। राहुल गांधी आज 1 महीने से कह रहे हैं मोदी जी से कि हमसे डिबेट करिए, आइए, मोदी जी नहीं आ रहे हैं। उसी तरह दिल्ली में साउथ से लड़ा एक महादेव सिर्सी राम के नारा लगाता हूँ,
कोई नारा लगा श्री नाम का? एक मिनट मेरी बात सुनिए, अगर ये एक सेकंड महादेव महादेव मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, एक सेकंड, अरे मेरी बात सुनिए, अगर ये भैया अगर ये जो भाई हमारी बात सुनिए, आप जय श्री राम की बात करते हैं, आप श्री राम जी की बात करते हैं, अगर आप मर्यादा पुरुषोत्तम राम को पढ़ लें तो आपकी आवाज में बदलाव, आपके स्वभाव में बदलाव आ जाए। वो थे मर्यादा पुरुषोत्तम राम। भैया भैया बोलने से पहले एक मिनट में सुनिए, जूता आप इनसे विकास की बात करिए, आप विकास की बात करिए, आप इनको इनको ये पता है 400 पार जाएगा, 400 किलो आरडीएक्स ये नहीं पता चला अभी तक, 400 किलो आरडीएक्स पता नहीं चल पाया कहाँ से आया, बस इनको 400 पार जाएगा है, 400 आरडीएक्स कहाँ गया ये बताइए आप, आपने छोड़िए 40 पार जाएगा तो मैं अपना नाम बदल दूंगा इस बार, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, बिना चुनू ना यहाँ पे, आप एक बार राहुल गांधी और अखिलेश भैया चुनू ना भैया, आप नहीं भैया, ये भीड़ जो देख रहे हैं ये बनाती है भारतीय लेके आए वाले नहीं है, ये सभी अपने इन्हीं सब इन्हें भैया सुन लीजिए, आप एक सेकंड, आप भैया काम की बात करिए, मैं आपसे काम बोलिए, आप भी बोलिए, आप क्या बोले जितना चिल्ला रहे हैं, आप बोलिए इनके पास बड़े नहीं बोलने के लिए, बहुत है बड़े बोलने के लिए, बहुत बोलने बोलने बड़े हैं, आप मुझको विकास पे बात करिए, विकास पे बात करिए, हम कह रहे हैं कि जो मोदी के अंधभक्त हैं, 4 जून को पता चल जाएगा, मीडिया आ गए बुलाइए मुझको, ईवीएम चोरी हो रहा है, ईवीएम चोरी हो रहा है, अखिलेश जो भक्त हैं, जब मेरा मैटर फंसा हुआ था ना, ये मोदी के अंधभक्त की बात, सुनील पटेल विधायक मंत्री थे, मेरा जो मैटर फंसा हुआ था, मंत्री जी मेरा काम किए थे, अखिलेश भैया किए थे, मिले थे सुरेंद्र पटेल, ये सुरेंद्र पटेल बगल में घर है, बगल में सुरेंद्र पटेल हमारे पड़ोसी हैं, चलिए मतलब आप अखिलेश यादव मिल चुके हैं, अखिलेश यादव आपका काम है, आप तुझसे बात करिए, मैं भैया मैं इस बार किसको जिता रहे हैं ये बताएं।